गुड मॉर्निंग बॉस, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैते, तू अपनी प्रेजेंटेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर। तू और तेरी पीली शर्ट दोनों मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए तैयार है ना? हरी शॉट मैते, ये तो हरी शॉट है, पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी? कुड़ू जी ने प्रेजेंटेशन करने के लिए पीली शर्ट पहनने के लिए कहा था, तो फिर पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी? क्यों नहीं पहनी? समझ गया। तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? जब मैंने सुबह फोन किया था तेरे को तो तूने पीली शर्ट पहनी हुई थी, तो मतलब पीली शर्ट साहब ने बैग में रख के लाया ताकि यहाँ पर तू फ्रेश पहन सके उसको, है ना? चल बैग में से निकाल और पीली शर्ट पहन। नहीं बॉस, मेरे पास यही एक शर्ट है। क्या पीली शर्ट नहीं है? अरे गुरुजी ने बोला था ना कि पीली शर्ट पहननी है, फिर क्यों नहीं पहनी? How dare you not follow my orders? तू अपनी मनमानी कैसे कर सकता है? Okay. अच्छा एक बात बता, जब तू घर से पीली शर्ट पहन के निकला था तो रास्ते में हरी कैसे हो गई? चमत्कार से। चमत्कार कर, ये सुबह सुबह अपने घर से उल्टी सीधी चीज खा के पी के आया क्या? उल्लू बनाता है मेरे को? चमत्कार सर, किसने किया चमत्कार? बड़े गुरुजी ने किया चमत्कार। अरे क्या फालतू बातें करके मेरा बीपी बढ़ा रहा है यार, कौन है ये बड़े गुरुजी? रुकिए सर, मैं अभी आपको बड़े गुरुजी से मिलवाता हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। मोनिका, बड़े गुरुजी बाहर रिसेप्शन पे बैठे, बड़े आदर के साथ उन्हें अंदर बुलवाओ। हेलो, मेहता सर के साथ एक बड़े गुरुजी आए, उनको अंदर भेज दो। जी अभी भेजती हो। जो मेहता साहब के साथ आया ना, उन्हें बॉस ने बुलाया। ठीक है सर, आपको बॉस के कैबिन में बुला रहे। अच्छा, ये सीधा जाके राइट लीजिएगा। अरे मैं तेरा बॉस हूँ, तुझे पगार सैलरी मैं देता हूँ ना, तो फिर मेरे गुरुजी की बात माननी चाहिए ना। What do you mean बड़े गुरुजी? गुरुजी? हाँ, खुश रहो। ये हैं बड़े गुरुजी। ये गुरुओं के भी गुरु, इसलिए इन्हें बड़े गुरुजी कहकर पुकारा जाता है। ये इंसान का चेहरा देखकर इंसान का अगला पिछला दायां बायां भूत वर्तमान और भविष्य भी बता देते हैं। हाँ, सब। मैं पूरी बात बताता हूँ। मैं अपने सोसाइटी के बाहर ऑटो का वेट कर रहा था, तभी अचानक से बड़े गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। ये मेरे पास आए और 20 सेकंड तक मेरा चेहरा देखते रहे, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम तारक मेहता है ना? मेरा नाम बड़े गुरुजी। तुम एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे, लेकिन अफसोस वो असफल हो। मैं डर गया, फिर मैंने इनसे पूछा कि गुरुजी मीटिंग सफल क्यों नहीं होगी? तब इन्होंने मुझसे कहा कि ये पीली शर्ट तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। अगर ये पीली शर्ट पहन के मीटिंग के लिए जाओगे तो मीटिंग में असफल रहोगे। अगर तुम चाहते हो कि मीटिंग में सफल हो तो फिर पीली की बजाय हरी शर्ट पहन के जाओ। बस गुरुजी ने मुझसे कहा और मैंने हरी शर्ट पहन ली। पर सुबह सुबह दुकानें तो बंद होती है ना, तो फिर ये हरी शर्ट आई कहां से? बड़े गुरुजी, आप ही बताइए ये शर्ट कहां से आई? हाँ बता दो। कहां से आई ये हरी शर्ट? वो
मेरे पास एक झोला था, उसमें थी ये हरी शर्ट, तो मैंने उसमें से निकाल के इसे दे दी। अच्छा, तो फिर वो झोला कहाँ है? झोला बताइए बड़े गुरुजी, आपका वो झोला कहाँ है? हाँ बता रहा, वो झोला जो था ना मेरे पास, जिसमें से हरी शर्ट निकाल के इसे दी, वो झोला मैंने एक गरीब को दान कर दिया। बड़े दानी हैं बड़े गुरुजी, मुझे भी हरी शर्ट दान कर दी। अरे उल्लू का पट्ठा है तू क्या मेहता? ऐसी राह चलते किसी गुरुजी ने बोल दिया कि हरी शर्ट पहनो और तूने पहन ली, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे ऐरे गेरे किसी राह चलते गुरु के चक्कर में तूने मेरे गुरु भविष्य कुमार की बात नहीं मानी। बॉस मैं तो हमारे कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रहा था, आपके भविष्य के बारे में सोच रहा था, इसीलिए मैंने ये हरी शर्ट पहनी। हाँ अरे बेटा मान ले इसकी बात, देख ये हरी शर्ट तुझे 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रहेगी। मैं अपने गुरु जी की बात को छोड़कर आपकी बात क्यों मानूं? क्योंकि मैं तेरे गुरु का भी गुरु हूँ, इसीलिए तो सब लोग मुझे बड़े गुरु जी कहते हैं। तेरे गुरु को भी मैंने ही शिक्षा दी थी, लेकिन अफसोस पैसों की लालच में उपटक गया, शिक्षा का गलत फायदा उठाने लगा। अगर ऐसा है तो अब भी क्या अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं अपने गुरु को फोन करके पूछता हूँ। अरे वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसे पता है ना कि अगर उसने मान लिया कि मैं उसका गुरु, तो फिर तू उसे छोड़कर मुझे गुरु मानने लगेगा ना। नहीं 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 नहीं, ये 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 सब फालतू की बातें सुनने सुनाने का टाइम नहीं है मेरे पास। ए मैटे, तू अपने बैग खोल, पीली शर्ट निकाल और पहन अभी के अभी। मेरे पास बैग में पीली शर्ट नहीं है। अरे तो फिर वो कहाँ गई पीली शर्ट जो अपने घर से पहन के निकला था? अरे तूने ये ग्रीन शर्ट पहनी ना, तो येले शर्ट उतारी होगी ना, उतार के कहाँ रखी? बड़े गुरुजी, हाँ आप ही बताइए येलो शर्ट कहाँ है? हाँ पीली शर्ट ना, ओ मैं बताता हूँ, वो जो मैंने वो झोला जो मैंने वो गरीब को दान किया ना, तो वो खाली था। खाली झोला किसी को दान करना अच्छा नहीं लगता ना? तो इसकी वो पीली शर्ट मैंने उसमें डाल दी और वो गरीब को दान कर दी। क्या? हाँ? What the hell, मैटे? इसका मतलब तेरे पास आज पीली शर्ट नहीं है? नहीं बॉस, मेरे पास पीली शर्ट नहीं है। ठीक है मैटे, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि आज तू प्रेजेंटेशन नहीं देगा, आज तू मुझे अपना रेजिग्नेशन देगा। बहुत टेंशन हो रहा है, मेहता साहब का क्या हुआ होगा? बापूजी मेहता साहब के बॉस को समझाने में कामयाब हुए होंगे कि नहीं? कि बापूजी के समझाने पे मेहता साहब के बॉस भड़क गए होंगे? हे भगवान, बापूजी मेहता साहब के बॉस को समझाते समझाते गुस्सा ना हो जाए ऐसा करना, वरना बापूजी के गुस्से की आग में मेहता साहब की नौकरी स्वाहा हो जाएगी। बस एक पीली शर्ट की वजह से आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? हाँ, क्योंकि ये पीली शर्ट मुझे आज 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाली थी। मैं तो ये क्या कर दिया तूने? अरे बर्बाद करके रख दिया मेरे को।
पीला रंग तेरा काम कैसे करवाएगा? वो तो खुद रुकावट का प्रतीक है। तूने रास्ते में सिग्नल देखा है ना? तो उसमें देख, जैसे ही पीली लाइट चालू होती है तो सब गाड़ियां रुकना शुरू हो जाती है कि नहीं? और वो पेड़ के पत्ते वो जब मुरझा जाते हैं तो वो भी पीले पड़ जाते हैं। और इसीलिए बड़े गुरुजी ने मुझे हरी कलर की शर्ट पहनने को कहा। हाँ, क्योंकि हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। वो सिग्नल में जैसे ही हरी लाइट चालू होती है सब गाड़ियां चल पड़ती है। वैसे ही हरे रंग से तेरी किस्मत भी चल पड़ेगी। सर, डीसीपी कंपनी से आ गए हैं। ओके। काशीनाथ आइए सर, आइए, इस तरफ आइए सर, प्लीज आइए, आइए सर। आ गए मेरे क्लाइंट, आ गए। मेरे 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गया। मैं दे, तू इसका जिम्मेदार है तू। देख बेटा, अभी ये जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, ये पीला शर्ट हरा शर्ट, ये सब करने का तेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, तू मेहता को मीटिंग कर ले। हाँ बॉस, आप मुझ पे विश्वास रखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिलवा के रहूंगा। हाँ, इस पे विश्वास रख, सब अच्छा ही होगा। ओके, ठीक है। मैं तेरे को ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, लास्ट चांस। अगर तेरा प्रेजेंटेशन हिट नहीं हुआ तो मुझे अपना रेजिग्नेशन देके चले जाना। हाँ गुरुजी, जब तक ये प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होगा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रहेंगे। क्योंकि अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो लोगों को गलत एडवाइस देने के जुर्म में मैं आपको अंदर करवा दूंगा और लंबी सजा दिलवाऊंगा। समझे आप? हिलना मत यहां से। कमान चाचा जी। हाँ, देख मैंने तुझे मीटिंग करने का मौका दिलवा दिया है। अब तो अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रख और अच्छे से मीटिंग कर। तू नौकरी की चिंता मत करना, तू अच्छे से मीटिंग करना, ठीक है? मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है। जा जा जा। हेलो 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 सर, ये हमारे डीसीपी कंपनी के ओनर और हमारे बॉस मिस्टर अल्पेश माथुर। हेलो सर, हेलो हेलो, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मुझे आपका ये प्रेजेंटेशन पसंद आया तो मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद ही ये डील फाइनल कर दूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपकी कंपनी को दे दूंगा। देखा तुमने, रास्ता कितना साफ है। लेकिन एक बात याद रख, तूने आज ये जो पीली शर्ट की जगह हरी शर्ट पहन ली ना, इसकी वजह से अगर कोई गड़बड़ हुई और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया तो याद रख, तू कंपनी से गया। सर जी, ये है हमारी कंपनी के वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर तारक मेहता, यही आपको आज का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आइए सर, प्लीज बी सीटेड। आइए 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 प्लीज सर। तो सबसे पहले मैं हमारी कंपनी के दिए हुए प्रपोजल का आउटलाइन बताता हूं, उसके बाद हर चीज डिटेल में बताऊं। हाँ
क्या हो रहा होगा? अब तक तो तारक का प्रेजेंटेशन शुरू हो गया होगा। And I hope मेहता साहब के बॉस ने उनको ग्रीन शर्ट पहन के प्रेजेंटेशन देने का परमिशन दे भी दिया हो। और चाचा जी गए हैं ना उनके साथ। I'm sure वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे मेहता साहब के बॉस को कन्विंस करने का। और जिस तरीके से हमारे चाचा जी समझाते हैं ना, कोई भी आसानी से समझ जाता है, मान भी जाता है लगे इसने कहा। तुम्हें जरा पर टेंशन नहीं लो हाँ, मेहता साहब का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और आप दोनों साथ में यूरोप ट्रिप पे भी जाओगे। ऑफ कोर्स यस। ओके हे भगवान, बस किसी भी तरीके से तारक का प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए और उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। पटलाल इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी फाइनली पीली शर्ट तो अरेंज हो नहीं पाई, हरे रंग की शर्ट पहन के गए। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? नौकरी जा सकती है। हाँ, मैंने जितना उनके बॉस के बारे में सुना है मुझे तो लगता है आज मेहता साहब की नौकरी को खतरा है। अरे देवा, बेचारे नौकरी जाने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने में मदद करेंगे। सच? सच मतलब तुम चाहते हो उनकी नौकरी चली जाए? क्या बेटा कुछ भी बोल रहे हो, क्यों जाएगी उनकी नौकरी? शुभ शुभ बोलो, ऐसा बोलो कि उनकी नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। अरे लेकिन मैंने तो कुछ बोला नहीं उनकी नौकरी के बारे में, तुमने बोला। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि नौकरी जा सकती है। जा सकती है और गई में फर्क है। सकारात्मक सोचो भाई बेड़े, तुम शिक्षक हो। मैं तो सकारात्मक ही सोच रहा हूँ पोपटलाल, उल्टा मुझे उनकी चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है भाई, भगवान मदद करना उनकी। अभी तक मेहता साहब का ना कोई फोन आया ना मैसेज, ये शुभ संकेत है या खतरे की घंटी? बहुत टाइम हो गया है बापूजी, अभी तक मेहता साहब के बॉस को समझा ही रहे होंगे। फोन करके पूछूं क्या परिस्थिति है? अरे कहीं मेरे फोन करने से बनी हुई परिस्थिति बिगड़ गई तो? नहीं, जो भी हुआ होगा मेहता साहब फोन करके बताएंगे तो जरूर। दोस्तों, आपको ये धक 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 की आवाज सुनाई दे रही है ना? ये मेरे दिल के धड़कन की आवाज है जो तेज होती जा रही है, बहुत तेज होती जा रही है। मेरी बीवी अंजलि से लेके मेरे परम मित्र जेठालाल और सभी गोकुल धाम वासियों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त प्रेजेंटेशन चल रहा है और रिजल्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ तो क्लाइंट खुश हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को दे देगा, बॉस खुश हो जाएगा और मेरी नौकरी बच जाएगी और मुझे यूरोप टूर भी मिला। लेकिन अगर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया तो मेरी नौकरी गई। समझ लीजिए कि आखिरी बॉल है और मुझे 6 रन की जरूरत है और मैंने बॉल को उछालकर बाउंड्री की तरफ मार दिया। अब बॉल हवा में है और बाउंड्री की तरफ जा रही है। अब देखना यह है कि सिक्सर लगता है या फिर पीला रंग मुझे कैच आउट करता है। जीत आत्मविश्वास की होती है या भविष्य कुमार के पीले रंग की? मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।